देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की कार्यकर्ताओं ने आज रेवाड़ी में न केवल जोरदार प्रदर्शन किया बल्कि अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया। रेवाड़ी के जिला सचिवालय स्थित राजीव चौक के समीप शुरू किए गए इस अनिश्चितकालीन धरने में भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की माने तो वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन करती आ रही हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी सुनने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि मजबूरन आज उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सरकार से मांग है कि जब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे दिया जाता तब तक आंगनबाड़ी वर्कर को 24,000 और हेल्पर को 16,000 रुपए मानदेय दिया जाए। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से केवल 6 सेवाओं पर ही काम लिया जाए। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा है कि अगर सरकार ने समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे न केवल विधायक और सांसदों का घेराव करेंगी बल्कि किसानों की तर्ज पर रोड जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। महान आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिला प्रधान और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो अनिश्चितकालीन धरना इसलिए है कि सबसे पहले तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो ये विभाग इतने दिन से लंबित है तो सरकारी कर्मचारी अभी तक नहीं बनाया गया। दूसरी हमारी मांग ये है कि जब तक हमें सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता 24,000 वर्कर और 16,000 हेल्पर को वो मान्य दे दिया जाए और NGO के हवाले नहीं किया जाए। इस महकमे को हमारा ही प्रशासन हमारी PO CDPO सुपरवाइजर ही नियुक्त रहे। जो हमें पोषण ट्रैक जैसी ऐप लोड करने के लिए बिना संसाधन के बिना किसी पढ़ाई लिखाई के इतनी एजुकेशन नहीं है, जिस सेवाएं में वर्करों को लगाया गया था उस हिसाब से ये हम नहीं कर पाएंगे। हमें ऑफलाइन ही काम करने दिया जाए और जो हमारी 6 सेवाएं हैं उन पर ही काम करने दिया जाए, बाकी की सेवाएं हम पे जबरदस्ती नहीं थोपी जाए। आगे हमारा ये है कि हम किसानों की तरफ पे चल पड़ेंगे, हम फिर रोड जाम करेंगे क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा हो गया। एक वर्कर भर्ती होने से और रिटायरमेंट तक आ गई, जो अभी तक उनका कोई घर परिवार में रिटायर होने के बाद में एक सम्मान जैसा एक रुपया भी नहीं दे रही सरकार, तो ये डूब मरने वाली बात है। तो इतना लंबा हमारा जो विभाग है उसको सोच लेनी चाहिए खुद सरकार को। तो हम रोड पे भी आएंगे, रोड जाम भी करेंगे, MLA का घेराव भी करेंगे, MP का भी करेंगे, जो भी हमसे प्रयास होंगे वो सारे करेंगे। जो दुर्गा अपना रूप अपना डीसी साहब को आज तो हमारा पहला दिन है, हमें अपनी खुद का भी रणनीति बनानी है यहीं बैठ के क्योंकि एक एक से बात नहीं हो पाती। हमने अपना निचले स्तर से संगठन बनाना शुरू किया है सर्कल पे, फिर अपने ब्लॉक्स पे, फिर जिले पे, ऐसे करके हम आज तो अपना रणनीति तैयार करेंगे और कल से हम अपने हरियाणा के पूरे आह्वान पे जैसे जैसे प्रोग्राम होंगे ना वैसे वैसे हम जुट जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।